हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रोस्टर केलस के कार्ड होल्डर की। तो गाइज जी हाँ दोस्तों, ये है एक कार्ड होल्डर और यहाँ पे आपको मैं इसकी एमआरपी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी एमआरपी देख सकते हो, 1499 रुपये की इसकी एमआरपी है। बट मैंने इसको इस एमआरपी पे नहीं परचेज किया है गाइज, मैंने इसको 210 रुपये में परचेज किया है। और क्या ये वर्थ है या नहीं, और ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये लेदर क्वालिटी का है नहीं, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइज। तो गाइज इसकी मैं इसको मैं ओपन कर लिया है मैंने बॉक्स को, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पॉलिथीन का रेप मैं इसको हटा देता हूँ। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का कार्ड होल्डर है। और यहाँ पे गाइज आप यहाँ देख सकते हो, RFID प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है RFID प्रोटेक्टेड। इसके अलावा गाइज यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो गाइज इसमें अलग से कोई भी पॉकेट नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि गाइज ये है कार्ड होल्डर, तो यहाँ पे ओनली कार्ड्स के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने कार्ड इसमें आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, आप इसमें मैक्सिमम 6 कार्ड इजीली रख सकते हो। और गाइज उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे है ये, आप यहाँ पे पैसे रख सकते हो, जो भी आपका नोट हो, नोट वगैरह यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो नोट को। तो इसके अलावा बाकी नोट वगैरह रखने के लिए अलग से कोई भी पॉकेट इसमें नहीं है। और कार्ड रखने के बाद में इसकी थिकनेस क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, कि कार्ड रखने के बाद में इसकी क्या थिकनेस होती है और ये कितना मोटा हो जाता है। बेसिकली गाइज वैसे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इतना मोटा है। सो गाइज मैंने यहाँ पे इसमें 6 कार्ड रख दिए हैं, और इसके बाद में अब इसकी थिकनेस देखते हैं गाइज। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, 6 कार्ड रखने के बाद में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी ये थिकनेस है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 कार्ड रखने के बाद में ये ऐसा दिखाई देगा आपको। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 टोटल 6 कार्ड मैंने इसमें इंसर्ट किए हैं। बाकी गाइज इसकी लेदर क्वालिटी की बात करें तो ये जेन्युइन लेदर है, जैसा कि इसमें मेंशन था। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रोस्टर केलस का जो लोगो है स्टील का, वो लगा हुआ है। और बाकी ये 210 रुपये में मेरे को बिल्कुल वर्थ लगा। और यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है जेन्युइन लेदर। तो गाइज बहुत ही अच्छा ये गाइज प्रोडक्ट है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और गाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर परचेज करना चाहो तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। और अगर गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइज, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो जो आने वाली हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।